खुटिया में आरसीएम की हुई बैठक। सोमवार 18 जुलाई को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग यानी आरसीएम की एक बैठक चकोटिया में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य द्वाराहाट, बिंता, चकोटिया, मासी, भिक्षाशैन सहित आसपास के क्षेत्रों में कंपनी का विस्तार और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना था। दरअसल आरसीएम कंपनी लोगों की चेन बनाकर, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM बिजनेस भी कहते हैं, इस प्रक्रिया के तहत लोग जहां कंपनी के उत्पादों को खरीदते और इस्तेमाल करते हैं, वहीं उन्हें अलग अलग स्कीम के तहत कमाई भी होती रहती है। आरसीएम कंपनी के पास 250 से लेकर 300 उत्पाद हैं, जिसमें खाने पीने के सामान से लेकर पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, होम केयर, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट मौजूद हैं। बहरहाल चकोटिया में हुई बैठक में आरसीएम बिजनेस में अलग अलग श्रेणियों में पहुंचे लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही तमाम वक्ताओं ने आरसीएम बिजनेस की खूबियां गिनाई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बिजनेस से जुड़कर मुनाफा कमाने का मंत्र दिया। इस कार्यक्रम में आरसीएम बिजनेस से जुड़े दर्जनों लोगों ने शिरकत की, जिसमें योगेंद्र रावत, दुर्गेश रावत, CP जोशी, PP चोपड़ा, संतोष रावत, भोपाल सिंह बिष्ट, सतीश महिपाल, मोहन राम, नीमा देवी, पार्वती देवी, गुड्डी देवी, पुष्पा नेगी सहित लोग मौजूद रहे। हमारे साथ आरसीएम से जुड़े योगेंद्र रावत जी हैं। सर, आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। सर, पहला सवाल तो यही कि आज यहाँ पे बैठक हुई थी, तो उसका क्या मकसद था? उसका जो मकसद था, हमारा आरसीएम का जो मकसद है वो है स्वदेशी। स्वदेशी के ऊपर पूरे आज हमारी सरकारें भी काम कर रही है, और स्वदेशी इस अभियान को, इस प्रोडक्ट को, जो हमारे देश में बनी हुई चीजें होती है, उसकी जागृति लोगों में ला रहे हैं। और साथियों, आरसीएम जब हम एक कैंटीन से आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें अलग से बेनिफिट होते हैं। जब हमारा यहाँ पे आईडी बन जाता है और उस आईडी के माध्यम से उस कैंटीन से हम खरीदारी करते हैं, तो 10-20% की छूट हमें वहीं मिलना शुरू हो जाती है इस प्रोडक्ट के ऊपर। और जो सामान हम खरीदते हैं, उस खरीदारी का जो PV होता है, वॉल्यूम होता है, उसका भी हमें 10% से लेकर 32% तक हमें वापस जो है कि मिलने की पूरी संभावना है, मिलता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमें सीखना पड़ेगा। और आज बहुत सारे साथी, बहुत सारे जो है कि इसमें स्टूडेंट, हाउसवाइफ है, बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को अपनाया, इसको सीखना स्टार्ट किया। साथियों, ये नेटवर्क मार्केटिंग है और इंडिया के अंदर ये चीज का जो है बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो अभी 2025 का जो आंकड़ा दिखा रहा है, इंडिया के अंदर 64,000 करोड़ का जो साम्राज्य खड़ा होने वाला। साथियों, आज रोजगार की स्थिति खत्म है, आज रोजगार नहीं है, और पढ़े लिखे युवा हमारे पास है लेकिन हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस बिजनेस को अगर हम सीखते हैं और इसको सीखकर आगे बढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पर लाखों की इनकम भी एक महीने की कमा सकते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी। एक रोचक किस्सा आपने भी बैठक में बताया कि 715 रुपए कुछ आपके पास आए थे, और अभी आप किस लेवल पे पहुंच गए हैं? अभी सर, मैं इस बिजनेस के अंदर, मेरे को किसी ने ऐसे ही ज्वाइन करवाया, और आज तो मैं, वो मेरे मेंटर हैं, आदरणीय बीबी मैठानी जी उनका नाम है, वो ले आए थे। लेकिन मैं उस दिन बिजनेस को नहीं समझा, लेकिन साथियों, इसको मैंने जब शुरू किया, प्रोडक्ट को यूज किया, अच्छा लगा, और एक मीटिंग मैंने अटेंड की, वहां से मेरे को लगा कि इसके अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर है, इस बिजनेस का बहुत बड़ा फ्यूचर है। इसको सीखना स्टार्ट किया और अभी मैं सीख रहा हूँ, कोई लेवल नहीं मानता हूँ, इसको सीख रहा हूँ। सीखते सीखते इस बिजनेस ने मेरे को बहुत कुछ दिया, और अगर लेवल की मैं बात करूँ, आज मैं टेक्निकल अचीवर के रूप में जो है कि मुझे जाना जाता है, टेक्निकल अचीवर का मुझे पद मिला है, पिन मिली है। और अगर इनकम की एक महीने की हाइस्ट इनकम की बात करूँ, 70,207 रुपए की एक महीने का पे आउट है। तो सर, कितना टाइम आपको हो गया इससे जुड़े हुए? मेरे इसको अभी लगभग, मेरे को इसको जब से मैं कंटिन्यू जो है इसको लगातार बढ़ा रहा हूँ, जुड़ना अलग बात है, लेकिन बिजनेस को समझकर काम करना अलग बात है। ले, मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ 2016 से सीरियस होकर, और 5 से 6 साल का मेरे को सफर हुआ है। 3 साल मैंने इसको पार्ट टाइम किया है, अभी मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ। सर, एक सीधा सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई युवा या कोई भी इससे जुड़े, महिला, कोई गृहिणी जुड़े, तो उसको मिनिमम कितना निवेश करना होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है? इसमें किसी को भी निवेश करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें सिंपल सा फंडा है। जो हम बाजार से आज तक मार्केट से सामान खरीदते थे, हमने केवल उस दुकान को बदला है। हमने एक आरसीएम की दुकान से हम क्या हो गए, जुड़ गए हैं, और वहां से हम सामान यूज करने के लिए ला रहे हैं।
प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगता है, अपने को यूज करना है और यही जानकारी लोगों को बतानी है। अगर आरसीएम बिजनेस से मेरे को फायदा मिलता है तो यही फायदा हमें लोगों तक पहुंचाना है। धीरे धीरे हमारा एक समूह बनता है, ग्रुप बनता है और धीरे धीरे हमारा बिजनेस उसी खर्चे से हमारा बिजनेस जो है कि कन्वर्ट हो जाता है। सर एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए, जैसे अभी आप कुछ बता रहे थे कि वो ऐसे लोगों को जुड़ना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को जुड़ना चाहिए, वो जानना चाहते हैं कैसे लोगों को जुड़ना चाहिए। सर मैं आप करते बेइज्जती जब तक नहीं होती तब तक जो है, देखो साथियों जब भी आप आरसीएम के अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आरसीएम बिजनेस अगर आपने ज्वाइन करवाया है तो मैं ये कहता हूँ जिन लोगों को आपने शुरू करवाया बिजनेस उनको सही जानकारी दो और या तो किसी को छेड़ो ना। अगर छेड़ने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ, यह आधा अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है। जिसको भी आप जानकारी दे रहे हैं सही जानकारी दें, उनको सही हेल्प करें और आरसीएम की मीटिंग जो एजुकेशन होती है, आरसीएम का सेमिनार, इसमें उन सभी साथियों को इन्वॉल्व जरूर रखना है। अगर हमने किसी को ज्वाइन करवाया है तो उसको सहयोग करना है, इसका जानकारी देनी है। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो सारा जो कि हमें यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आरसीएम की बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी एजुकेशन इस बिजनेस की हमें गूगल के माध्यम से, नेट के द्वारा, जूम मीटिंग के माध्यम से मिल रही है। वहां से भी हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के टिप्स सीख सकते हैं और इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने हमसे बात।